नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जहां हम बात करते हैं भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जा रही ट्रेनों के बारे में। चाहे किसी नई ट्रेन के चलाए जाने की घोषणा हो या पहले से चल रही किसी ट्रेन में कुछ बदलाव किए गए हैं, तो भारतीय रेलवे से इन्फॉर्मेशन ला करके वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुँचाते हैं। दोस्तों, त्योहारों का मौसम आने ही वाला है, दशहरा, दुर्गा पूजा, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ इत्यादि त्यौहार आने वाले हैं। ऐसे में जो लोग अपने शहर से बाहर रहते हैं, व्यापार के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में, शिक्षा के सिलसिले में, तो इस त्यौहार के मौके पे अपने घर आते हैं। ऐसे में ट्रेनों में भीड़ बढ़ जाती है सामान्य दिनों की अपेक्षा। इस अतिरिक्त भीड़ से निपटने के लिए भारतीय रेलवे पहले से ही तैयारी करके रखती है। दोस्तों, इसी क्रम में भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि कटिहार और अमृतसर के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। कौन कौन से दिन को चलेगी ये ट्रेन और कौन कौन से स्टेशन पर रुकेगी, कौन कौन से श्रेणी के कोच होंगे इसमें, कब से कब तक चलेगी, ये सब हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। गाड़ी संख्या 057-36 ये कटिहार से प्रस्थान करेगी रात के 9 बजे और अगले दिन या उसके अगले दिन, इसमें मेंशन नहीं है, सुबह 9:45 पर यह अमृतसर पहुंच जाएगी। 12 घंटे में तो पहुंच नहीं सकती, इसीलिए यह अगले के अगले दिन ही पहुंचेगी। इसका परिचालन प्रत्येक बुधवार को होगा 18 सितंबर 2024 से 27 नवंबर 2024 तक। गाड़ी संख्या 057-35 ये अमृतसर से चलने वाली ट्रेन है, प्रस्थान करेगी दोपहर 1:25 पर और अगले दिन देर रात 11:45 पर कटिहार पहुँच जाएगी। इसका परिचालन प्रत्येक शुक्रवार को होगा, जिसकी शुरुआत की जाएगी 20 सितंबर 2024 से 29 नवंबर 2024 तक। रास्ते में ट्रेन पूर्णिया, अररिया, फारबिसगंज, ललितग्राम, सरायगढ़, निर्मली, झंझारपुर, सकरी, दरभंगा, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, कप्तानगंज, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, लक्सर, रुड़की, सहारनपुर, अंबाला, छावनी, राजपुरा, धंडारी, कला, जलंधर और ब्यास स्टेशन पर रुकेगी। इस ट्रेन में 3rd AC, स्लीपर और अनरिजर्व कोच होंगे। इन ट्रेनों में यात्रा करने से पहले आप भारतीय रेलवे से एक बार जरूर कंफर्म कर लें, क्योंकि हम जो बातें बताते हैं वो सिर्फ जानकारी के लिए ही होती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में किसी और ट्रेन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक सिर्फ जानकारी के लिए हमारे चैनल के दूसरे वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।